السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلينا معهم وعلى من اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد आइज करनी हर छोटी बड़ी चीज़ को छेड़ते हैं और उसके बारे में अपना ख़याल ज़ाहिर करते हैं और रहनुमाई फरमाते हैं ख़ार तो तरीक़ में मोबाइल के इस्तेमाल के बारे में फ़रमाते हैं माजवाली का भी ईजाबिया मोबाइल के साथ अच्छा मामला करो मोबाइल का सही इस्तेमाल करो पॉजिटिव इस्तेमाल करो वजाली का बेत तो तसीलाफी अवकातिन मुनासिबाइम तवसी भी इस तरह से अच्छा मामला होगा मोबाइल का और मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल होगा कि आप किसी से रबता करें तो ऐसे वक्त में करें कि आपके लिए भी मुनासिब हो और जिससे रबत कर रहे हैं उसके लिए भी मुनासिब हो वाइत तो फ़िलबलता तोल और जिस मुल्क या जिस शहर में आप रहा कर रहे हैं वहाँ की टाइमिंग का ख़्याल करें आप अपने अतबार से फ़ोन कर रहे हैं जिससे बात कर रहे हैं वहाँ नमाज का वक्त है तो ये अच्छा नहीं है फ़लात तसी अवकात सौलाती व नौमी वाम तो नमाज़ नींद और खाने पीने के अवकात में इतसाल ना करो रबता ना करो किसी से बातचीत ना करो मोबाइल के ज़रिए वलात वालदालमयजिप का साहिब का और अगर सामने वाला आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है तो मुसलसल फ़ोन की रिंग ना देते रहो बल्कि दो तीन रिंग दो बस इसमें भी वही अदब है कि तीन मरतबा इजाज़त मांगो अगर इजाज़त न दी जाए तो लौटाओ इमन फुरसतन उसको मौका दो थोड़ी देर के बाद कर लेना

से बात का आगाज़ करो कबलाकुल्ली शै वला तिल फिल्मा बात करने में बहुत देर तक ना बात करते रहो अदबिर झुरूफ अननास लोगों के हालात की रियायत करो उसकुर तसिलो कदुक तुर और महन्दिन और शैख़ें जिससे बात कर रहे हैं उसके अलकाब आदाब का ख़्याल कीजिए जैसे डाक्टर हैं तो बीच में डाक्टर कह दीजिए इंजीनियर साहब डाक्टर साहब मौलाना शेखुलहदीस इसी तरह के अलकाब आदाब अगल जब्वाल का वक्त सोलाती वक्त नौमी उदाद अपने मोबाइल को बंद कर दो नमाज के या नींद के वक्त में नमाज और नींद के वक्त में क्या उसको साइलेंट मोड पर रख दो सैलेंट मोड पर कर लो ला तसल आमद कबूफ़न अरूँ मेहमान हो तुम्हारे पास या किसी मीटिंग में हो तो फिर फ़ोन से बात ना करो मगर ज़रूरतन. आखिर